गुड मॉर्निंग क्लास, आई एम योर असिस्टेंट टीचर ऑफ क्लास फिफ्थ। टुडे वी विल डू द एक्सरसाइजेस ऑफ चैप्टर नंबर 4 व्हिच इज़ ऑन पेज नंबर 22। ओपन पेज नंबर 22। एक्सरसाइज फर्स्ट इज टेक द करेक्ट ऑप्शन। आपको इस एक्सरसाइज में क्या करना है, जो भी अगर आपको लगता है कि वाला ऑप्शन सही है तो आपको वहाँ पर टिक कर देना है। तो पहला है द कॉन्गो रिवर इज ऑल्सो नोन एज। कॉन्गो रिवर को हम और क्या बोलते हैं, विच इज जेर रिवर। ओके, प्लेसेस नियर द इक्वेटर जनरली एक्सपीरियंस, जो इक्वेटर के पास जो जगह होती हैं वो क्या, ज़्यादातर वहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है, हॉट एंड वेट दोनों ही होते हैं। तो हमने क्या लगाया यहाँ पे सही आंसर, बोथ। ओके, थर्ड, अ मेजर पार्ट ऑफ कंट्री लाइज इन, जो मोस्टली पार्ट है कंट्री का DRC का, वो कहाँ लाया करता है, कॉन्गो रिवर में। इसीलिए ये गलत है, इसीलिए उसका नाम क्या रखते हैं, तभी वहाँ का कॉन्गो कंट्री का नाम रखा था, क्योंकि मोस्टली पार्ट वहाँ का किस कहाँ लाया करता था, कॉन्गो रिवर में। तो क्या आंसर सही है, कॉन्गो। पिग्मीज आर गुड हंटर्स। ओके, पिग्मीज बताए थे शॉर्ट लोग होते, शॉर्ट पीपल होते थे वहाँ के, वो ने क्या कहते थे हम पिग्मीज, वो किस में अच्छे होते हैं, हंटर्स में। वैसे फार्मिंग में भी अच्छे होते हैं, बट दे आर मोस्ट इन हंटर्स, बिकॉज वो कहाँ रहते हैं, वो फॉरेस्ट में रहते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। आपको इस बॉक्स से क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। इस बॉक्स की हेल्प से आपको यहाँ पे फिलअप करने हैं। आपकी बुक में ये ब्लैंक होंगे, आपको उसको फिल करने हैं। फर्स्ट इज द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो इज द, जो DRC है वो कौन सी कंट्री है अफ्रीका की, लार्जेस्ट, तीसरी, विच इज थर्ड। ओके, इट हैज़ अ डैश एंड डैश क्लाइमेट, वहाँ का कैसा क्लाइमेट है, हॉट एंड ह्यूमिड, ह्यूमिड मतलब भी वेट मतलब नमी भरा। द हाइएस्ट वाटरफॉल ऑन द कॉन्गो इज, जो हाइएस्ट वाटरफॉल कॉन्गो में कौन सा है, विक्टोरिया। ओके, डैश इज द लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, सबसे बड़ा पोर्ट कौन सा है, मतादी, बताया था। और कसावा क्या है वहाँ का, स्टेपल फूड है, कहाँ का, DRC का, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का। द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो इज थिनली पॉपुलेटेड कंट्री, थिनली मतलब वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कम पॉपुलेशन है। क्यों कम पॉपुलेशन है, क्योंकि वहाँ का जो वहाँ का कस्टम है, जो रिचुअल्स हैं, वहाँ के जो तौर तरीके हैं वो थोड़े अलग हैं, तो इसीलिए वहाँ कम ही लोग रहते हैं। नाउ अब आपको इस एक्सरसाइज में क्या करना है, अगर आपको लगता है कि जो स्टेटमेंट्स हैं ये सही हैं तो आप क्या करेंगे, टी लिख देंगे मतलब ट्रू, और अगर आपको लगता है कि गलत है तो आप एफ लिख देंगे मतलब फॉल्स। तो पहला है DRC इज़ द थर्ड लार्जेस्ट कंट्री इन अफ्रीका, जो DRC है वो थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है अफ्रीका की, सो इट इज़ ट्रू। द हाइएस्ट वाटरफॉल, जो सबसे बड़ा वाटरफॉल है वो कौन सा है, विक्टोरिया, सो इट इज़ ऑल्सो ट्रू। पिग्मीज आर बैड हंटर, जो पिग्मीज हैं वो बेकार के हंटर शिकारी हैं, तो ये क्या है, गलत है, वो तो उनका काम ही शिकार करना है। पीपल ऑफ कॉन्गो स्पीक बंतू, जो पीपल होते हैं कॉन्गो के लोग बंतू लैंग्वेज बोलते हैं, सो इट इज़ ट्रू। मतादी इज़ द स्मॉलेस्ट पोर्ट, जो मतादी है वो छोटा पोर्ट है, सो इट इज़ फॉल्स, वो तो लार्जेस्ट पोर्ट है। ओके, नाउ मैच द फॉलोइंग। फर्स्ट इज कॉन्गो, कॉन्गो क्या है, एक लार्जेस्ट रिवर है, तो हमने क्या लिख दिया, वन लिख दिया। कटंगा क्या है, कटंगा एक कहाँ पे है, साउथ कॉन्गो में है, तो हमने यहाँ टू लिख दिया। हाइएस्ट वाटरफॉल कौन सी है, विक्टोरिया है, तो हमने यहाँ क्या लिख दिया, थ्री लिख दिया। कसावा वहाँ का स्टेपल फूड है, तो हमने फोर्थ लिख दिया। और मतादी बिगेस्ट पोर्ट है, हमने यहाँ फिफ्थ लिख दिया। नाउ क्वेश्चन आंसर्स, ये आपको वीकली जो होमवर्क मिलता है सैटरडे को, उसमें जो आपको मिलेगा अभी, उसमें आपको उसके इन क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। आपको एक क्वेश्चन आंसर अपनी फेयर कॉपी में करने और उन्हें लर्न करना है साथ के साथ फॉर द एग्जामिनेशंस। ओके, थैंक यू क्लास एंड हैव अ नाइस डे, गुड बाय।